और ये बहुत रिच फूड होता है, फाइबर बहुत होता है इसमें। ये पत्ते का शेप देखो, इसको दो सींग होते हैं समझ लो। इसको अगर खाएंगे आप पका के तो घसे में खिचखिचाहट नहीं होती है। अरवी के दो प्रकार है, बहुत रिच फूड होता है, फाइबर बहुत होता है इसमें। मराठी में इसको आलू बोलते हैं, यानी कि इसकी सब्जी बनाई जाती है। इसमें चिंच वगैरह डालना पड़ता है, अगर चिंच नहीं डालेंगे तो घसे में खिचखिचाहट होती है। दूसरा जो आलू का प्रकार है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो इसको पहचानने का एक जो तरीका है, ये जो है ये पत्ते के सेंटर में इसको डंडी रहती है और आजू बाजू में ये पत्ता रहता है, और पत्ते का जो कलर है ये पूरा ग्रीन यानी कि लाइट ग्रीन रहता है। इससे तो पहचान सकते हैं कि सब्जी के आलू, सब्जी बहुत बड़ी बनती है तो इसको जरूर खाना। ये वड़ी के आलू है, यानी कि इसको वड़ी बना के हम खा सकते हैं, इसमें चीज डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये पत्ते का शेप देखो, ये ऐसा थोड़ा हमारे हाथ की जैसे होता है, और इसको जो डंडी रहती है वो डंडी पांत है, उसके अंत में रहता है। इसको दो सींग होते हैं समझ लो, ऐसा जो पत्ता रहेगा इसमें। इसको अगर खाएंगे आप पका के तो घसे में खिचखिचाहट नहीं होती है। जलन प्रकार ध्यान में रखें, इसकी सब्जी भी बनती है, वड़ी भी बनती है, और जो पहले हम मैंने दिखाया वो सिर्फ सब्जी बनाई जाती है।